सो हेलो फ्रेंड्स, एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लगभग ऑलमोस्ट लोग एमएक्स प्लेयर का यूज़ करते हैं, यानी 100 में से 90% लोग एमएक्स प्लेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग यानी बहुत ही कम लोग इनके सीक्रेट्स जानते हैं और सब लगभग सभी लोग इनका सिंपली यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एमएक्स प्लेयर को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं तथा किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। ये मेथड दोस्तों एकदम बिल्कुल नया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी खराबी लगे या फिर आपको कोई भी शिकायत हो या फिर आप किसी अन्य विषय के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम चलते हैं अपने एमएक्स प्लेयर में। दोस्तों ये देखिए हमारा एमएक्स प्लेयर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एमएक्स प्लेयर खुल चुका है और यह है ऐसा ही एमएक्स प्लेयर है जैसा हमेशा होता है, यानी उसमें कुछ नया नहीं है। तो ये देखिए ये थीम भी हमेशा जैसा ही है, तो हम इसे चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ऊपर ही ऊपर लिस्ट दिखाई दे रहा होगा कि लिस्ट यहाँ पर है, तो लिस्ट पर क्लिक कीजिए। लिस्ट में आपको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि थीम, आपको इस थीम पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रकार से थीम बताए गए हैं, तो आप कोई भी थीम चूज कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं चूज करता हूँ ब्लू एंड ब्लैक, तो मैंने ब्लू एंड ब्लैक चेंज कर दिया है। तो बैक जाइए और देखिए, ये देखिए दोस्तों हमारा ब्लू एंड ब्लैक थीम चेंज हो गया है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, इसे आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, तो वो आपसे कितना इम्प्रेस होंगे देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम ओपन करते हैं कोई भी वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों हमने वीडियो ओपन किया ना, तो हम ज़्यादा से तो अब यदि हमें इस वीडियो को यानी वीडियो की ये जो इस वॉल्यूम है इसे डबल करना हो ना, तो हम कैसे डबल कर सकते हैं। दोस्तों कई प्रकार की वीडियो हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि आप SW डिकोडर से वॉल्यूम को डबल कर सकते हैं, लेकिन SW डिकोडर आपके जो माइक्रोफोन है प्लस आपको जो बैक स्पीकर है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो आज मैं आपको नया मेथड बताऊंगा, तो बैक जाइए और फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आप डिकोडर पर क्लिक कीजिए। डिकोडर पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर है कि यूज SW डिकोडर, आप इस यूज SW डिकोडर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा SW प्लस डिकोडर ऑन हो गया है। तो हम वापस जाते हैं और कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं, मान लीजिए कोई भी। तो ये देखिए दोस्तों ये अभी हमने SW प्लस डिकोडर ऑन नहीं किया है, हम इसे ऑन करते हैं SW प्लस डिकोडर, अभी से ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों यानी चाहे जितना कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं। अब बात करते हैं अगले फीचर्स की। अगला फीचर है दोस्तों जिस प्रकार हम मान लीजिए चलते हैं वीडियो को अनलॉक करते हैं ना, तो हम यहाँ पर अपने वीडियो को अनलॉक करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा अनलॉक हो गया है, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, यानी मान लीजिए कुछ भी नहीं है ज़्यादातर खास बोलने में। तो हम चाहते हैं हम इसे खास कैसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों वापस जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो प्लेयर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको कंट्रोल्स पर क्लिक करना है। कंट्रोल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक है जिसका नाम है किड्स लॉक प्लस टच इफेक्ट्स, तो आपको इसे ऑन करना है। देखिए ऑन हो गया, ओके कर देना है। बैक जाना है, कोई भी एक सॉन्ग प्ले कीजिए। तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। ये देख दोस्तों अब अनलॉक हो गया, जैसे भी हम जहाँ भी टच करेंगे ना एक नए चित्र उभर कर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये। और यदि मान लीजिए आपको
वो आप किसी बच्चे को दे रहे हो तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसको अनलॉक करना भी बहुत खास है। मान लीजिए आपको इसको अनलॉक करने के लिए 3 बार 4 कोनों को टच करना पड़ेगा, 1 2 3 4। ये देखिए अनलॉक हो गया वापस। तो अब दोस्तों बात कर लिए करते हैं अगले फीचर्स की। अगले फीचर्स में आपको बता दूं दोस्तों कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ये जो एरिया है ना, ये इसमें कुछ खास नहीं है, ये भी पहले की तरह है। तो हम इसे भी कस्टमाइज करेंगे। तो वापस जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद प्लेयर पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टाइल, तो स्टाइल में यहाँ पर दिखाया गया है कि फ्रेम, आपको यहाँ पर फ्रेम एडजस्ट करना है, यानी आप इसमें जो चाहे वो कलर ले सकते हैं। मैं अपना रेड कलर ले रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है, तो ओके कर देता हूँ। और बॉर्डर को भी ऑन कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल्स जो कि एकदम वाइट है उन्हें हम ग्रीन कर देते हैं, ओके। और एक को कर देते हैं पिंक, ये ऑल्सो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस बार में आपको यहाँ पर एक फ्लैट दिख रहा है, उस फ्लैट को टिक करके आप मटेरियल को ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए और बैक चले जाइए। अब दोस्तों वीडियो ऑन कीजिए। देख लीजिए दोस्तों एकदम फैंटेस्टिक, यानी देखने में अच्छा लगेगा। और कोई भी यदि आपको फोन लगा तो वह आपको पूछेगा कि तुमने ये कैसे किया, तो आप अपना रोब झाड़ सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो अगले फीचर्स की हम यदि बात करें दोस्तों, तो हो जाता था लेकिन आजकल के फोनों में नहीं होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगी ये कैसे करते हैं। वापस बैग जाइए, 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर आपको प्लेयर दिख रहा हो, प्लेयर पर ओके कीजिए। कंट्रोल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देख रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबल टैप टू पॉज एंड डबल टैप टू प्ले, इसको ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। आप बैक जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए स्टार्ट। डबल टैप किया पॉज हो गया, डबल टैप किया प्ले हो गया, डबल टैप प्ले, डबल टैप प्ले। तो ये वैसे करने में बहुत इंटरेस्टिंग आता है, यानी मनोरंजन भी होता है और अच्छा भी लगता है। अचानक आपको वीडियो रोकना हो, कुछ भी करना हो तो आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे হাই এভরিওয়ান, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। আরো ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, এই বাটনে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট অবশ্যই করো, এন্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং।